वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे यूपी बिहार फेमस छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही झटपट बन करके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी। ये किसी मिठाई से बिल्कुल भी कम नहीं है टेस्ट में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक परात में मैंने लिया है एक कप के जितना गेहूं का आटा और हाफ कप लिया है मैदा और हाफ कप ही लिया है सूजी। सूजी मोटी या बारीक जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी डाल दिया है आधा चम्मच की जितना इलायची पाउडर। और अभी डाल दिया है ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, 3 से 4 बड़े चम्मच तक डाला है मैंने। और इधर देखिए मैंने लिया है हाफ कप के जितना शुगर और इसमें डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। इसको मेल्ट नहीं करना है, बस इसको गीला करना है शुगर को। और अभी डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। इससे ठेकुआ बहुत ही खस्ता बनकर के तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसमें हम अभी शुगर मिक्स करेंगे। शुगर की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आटे के जैसा गूंदना नहीं है, बस आपस में ये मिक्स हो जाए और ठेकुआ का शेप बन सके, बस इतना ही मिक्स करना है हमको। इसको मिक्स करने में कोई जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो गीला हो जाएगा और ठेकुआ बराबर नहीं बनेगा। ये देखिए अभी इकट्ठा होने लगा है, बस इतना ही चाहिए। बस ये तैयार है और इसमें से हम एक छोटा सा भाग लेंगे। ये देखिए पहले लड्डू के जैसा बनाएं और फिर एक पेड़े का शेप दे दें।
ये देखिए बस ऐसे ही बनाना है। अभी मैंने ठेकुआ को शेप दे दिया है और देखिए इस पे हम बिना सांचे के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं बना करके दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। जो घर में हम फोर्क यूज़ करते हैं उसको पेड़े के चारों तरफ प्रेस कर दें। इसको मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाई। अब ये दूसरा लेंगे, इसको थोड़ा लंबाई में मैंने शेप दिया। इसको देखिए एक टूथपिक की मदद से इस पे पत्ते का शेप बना देंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप बन गया। इसी तरह से ये देखिए ये फ्राई करते हैं हम, जो बस उस पे रखिए पेड़े को और उसको प्रेस कर दीजिए। ये सभी के घरों में अवेलेबल रहता है और उस पे देखिए ये डिज़ाइन बन गई। इस तरह से आपके घर में जो भी कुछ अवेलेबल हो जिससे हम डिज़ाइन बना सकते हैं उससे आप आसानी से बना लें। अभी देखिए सारे ठेकुआ पे डिजाइन बन चुकी है और इधर गरम किया है ऑयल और उसमें फ्राई कर लेंगे हम ठेकुआ को। आग को पहले तो तेल को अच्छा गरम करेंगे, फिर बाद में मीडियम कर देंगे क्योंकि ये जल्दीबाजी में नहीं बनता है, इसको टाइम लगता है फ्राई करने के लिए और बहुत ही हल्के हाथों से छूना रहता है, नहीं तो ये टूट जाता है। गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे इनको। दोनों साइड में पलट पलट करके हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अभी देखिए गोल्डन हो चुके हैं। इनको अभी हम निकाल लेंगे। बहुत ही खस्ता बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। और इसी तरह से बाकी बचे हुए ठेकुआ भी हम फ्राई कर लेंगे।
एक साइड जब भी थोड़ा सिक जाए तभी इसको पलटें। तुरंत पलटने पे क्या होता है, टूट जाते हैं ये। ये बनने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन जब बन करके तैयार होते हैं तो क्या स्वाद होता है इनका, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप इन्हें बना करके 15 से 20 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। और अभी ये तैयार हैं, इनको निकाल लेते हैं। सारे ठेकुआ बन करके तैयार हैं और करते हैं इनकी प्लेटिंग। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, छठ पूजा के लिए बनाएं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।